सबसीक्वेंस क्या है, कैसे हम सबसीक्वेंस की हेल्प से सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं ये देख सकते हैं, वो हम देखेंगे आज के इस क्लास में। इस वीडियो को देखने के बाद सबसीक्वेंस से रिलेटेड आपके सभी डाउट आज क्लियर हो जाएंगे, तो ये वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सबसीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है और उसके बाद उसके जो रिजल्ट है वो देखेंगे और कुछ एग्जांपल भी साथ साथ करेंगे, काउंटर एग्जांपल भी आज देंगे, तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन को कराने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि सबसीक्वेंस कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ एक्शन, ठीक है। एक्शन को क्या है, सीक्वेंस कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सीक्वेंस के टर्म्स कैसे होंगे भाई, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर एंड सो वन होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री स्टूडेंट्स है, ए स्टूडेंट्स, बी और थ्री, तीन स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं इन सीक्वेंस में से, सीक्वेंस जो है तो उसमें कितने टर्म्स होते हैं बच्चों, उसमें होते हैं इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट टर्म्स में से ए स्टूडेंट्स क्या करता है, वो कुछ टर्म्स को यहाँ पे कलेक्ट करता है। क्या करता है, कलेक्ट करता है, कैसे कि वो यहाँ पे सबसे पहले एक्स टू लेता है, फिर लेता है एक्स फोर, फिर एक्स सिक्स, फिर एक्स एट एंड सो ऑन करके एक सीक्वेंस बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, क्यों, क्योंकि उसने इनफाइनाइट टर्म्स में से कुछ रूल यहाँ पे अप्लाई किया कि भाई वो जो है टू के मल्टीप्लाई में सारे टर्म्स जो होंगे वो इकट्ठे करेगा, उसका एक सेट बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये कौन सा रूल अप्लाई कर रहा है, टू एन का रूल अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो बी स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो करता है कि सर मुझे टू से नहीं, टू नहीं, एक्स थ्री लेता है, फिर वो करता है एक्स नाइन, फिर वो करता है एक्स ट्वेंटी सेवन एंड सो ऑन, ऐसे करता है। तो यहाँ पे हम देखें तो उसने कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ किया है, थ्री पावर एन का। देखिए यहाँ पे थ्री है, थ्री स्क्वायर, थ्री क्यूब, ऐसा रूल है। सी बच्चा जो है वो क्या करता है, वो एक सीक्वेंस, वो यहाँ से जो सीक्वेंस है हमारे उसमें से टर्म्स है इकट्ठे करता है, कैसे, एक्स वन किया, एक्स टू किया, फिर एक्स एट किया, फिर उसने किया है भाई एक्स फाइव, फिर क्या किया, फिर किया एक्स नाइन, फिर किया एक्स सिक्स और सो ऑन, ठीक है। तो ये थ्री टर्म्स, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है। और एक बच्चा डी है, वो कैसे टर्म्स को कलेक्ट कर रहा है, वो कर रहा है एक्स वन, फिर उसने किया एक्स टू, फिर किया एक्स फाइव, फिर क्या किया, फिर किया एक्स सिक्स, फिर किया एक्स एट, एक्स टेन, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अब जो वो क्या करेगा, दो दो के टर्म्स में यहाँ पे एक्स टू है, फिर एक्स एट, एक्स सिक्स है, फिर एक्स एट हुआ, फिर एक्स टेन, तो यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, प्लस टू करके एक्स ट्वेल्व एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो टर्म्स को यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है हमारे जो सीक्वेंस थी उसमें से कुछ टर्म्स को कलेक्ट करके हम ऐसे सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो सीक्वेंस थे मैं उसको एक्सएन से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा रूल यहाँ पे हो रहा है, एक्स टू, दैट मीन्स इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स टू एन कह सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो थ्री पावर एन जो सफिक्सिस है वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, थ्री पावर एन का, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, एक्स इंटू थ्री पावर एन कह सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर रूल यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रहा है और डी जो है वहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आपको जब कोई सीक्वेंस दी जाती है तो उसके कुछ टर्म्स को कलेक्ट करके आप एक नई जो है वो सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो सब सीक्वेंस कहलागी कि नहीं वो हम देखेंगे। आपने तो भाई सेट बना दिया, इनफाइनाइट टर्म्स थे आपके पास, तो आपने तो जैसे आपका मन किया आपने सेट बना दिया, तो वो जो आपका जो सेट बना है वो सब सीक्वेंस बनेगा कि नहीं वो अब हम देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे।
तो वैसे तो सब्जी तो कोई बना देता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि अगर सब्जी बनानी है तो हमें पता है कि भाई उसमें मिर्ची चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए, वो जो है और तेल में सब जो भी सब्जी बनानी है वो सब मिक्स कर लीजिए। पर उसका टेस्ट कब आएगा? जब उसको पर्टिकुलर वे में बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे कि सब सिक्वेंस कौन सी बनेगी। तो आपने तो ये चार सेट बना दिए, पर अब सब सिक्वेंस कौन सी बनेगी? तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी जो सिक्वेंस है, ठीक है, मान लीजिए लेट xn be a given sequence, ठीक है, and nk be increasing, nk be an increasing sequence of natural number, the collection xnk is called subsequence of xn। दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे सिक्वेंस है, ठीक है, xn सिक्वेंस है, तो वो तो आपको दी, आपने किया कि एक nk जो है वो कैसे सिक्वेंस है, इंक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे क्यों लिया है वो देखिए, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो तो हमें पता है, वो कैसे होगी भाई, एन वन जो है वो छोटा होगा एन टू से, एन टू छोटा होगा एन थ्री से, एन सोन करेंगे तो इंक्रीजिंग हो गए। अब नेचुरल नंबर क्यों ले रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे पास जब सीक्वेंस थे यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट टर्म था सेकंड टर्म था, यही तो रूल है सिक्वेंस में। तो यहाँ पे आप जो ये सफिक्सिस है वो कहाँ से आएंगे? नेचुरल नंबर से। तो आप वहाँ से जो चूज करके एक सेट बना रहे हैं तो वहाँ पे भी सफिक्स कैसे होंगे? नेचुरल नंबर के होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करें कि एक्स एन के, दैट मीन्स ये जो एन के है वो क्या होगी आपके सफिक्स में आएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की सिक्वेंस क्या होती है? तो वो भी हम जानते हैं, जब फंक्शन आपका एन से आर पे डिफाइन करते हैं तो वो होती है रियल नंबर की सिक्वेंस, और जब आपका फंक्शन जो है वो एन से एन पे डिफाइन होता है तो वो होती है सिक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो तो हमें पता है भाई सिक्वेंस की क्या डेफिनेशन है, वो हमने पढ़ा है सर, आज कुछ पढ़ा है। चलिए, तो आपने क्या किया कि सीक्वेंस के कुछ टर्म्स को कलेक्ट किया, पर वहाँ पे क्या रूल था कि वो जो सीक्वेंस थे वो कैसे थे भाई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं x ऑफ n1 ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो xn थी तो उसके कुछ सफिक्सेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ xn1, फिर मैंने कहा xn2, ठीक है भाई xn3 वो। सो इस तरह से जो फॉर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी जो सीक्वेंस है xn उसकी हम बोलेंगे सब सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में कि कौन कौन सी बनेगी। सो यहाँ पे ये जो रूल हुआ है 2n, ये क्या है आपका, आप एन के है कि नहीं है बच्चों? अगर यहाँ पे देखा जाए तो एन के आपका 2n है, और 2n जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ साथ ये सीक्वेंस कैसी है, नेचुरल नंबर की भी सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पे n जो है वो कहाँ से, नेचुरल नंबर से, तो ये क्या है, पूरा n के नेचुरल नंबर की सीक्वेंस। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है बच्चे एक की, वो तो सब सीक्वेंस बनेगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो उसने जो यहाँ पे n के लिया है वो क्या है, दूसरा जो है बी स्टूडेंट, उसने क्या किया भाई, एन के जो लिया है वो 3n लिया है, क्या लिया, 3n। तो वहाँ पे हम देखें तो ये भी क्या सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और यहाँ पे जो है n बिलोंग्स टू n है, इसलिए ये जो पूरा n के जो सीक्वेंस है वो कहाँ से होगी भाई, आपके नेचुरल नंबर्स में हो जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो नेचुरल नंबर की है, तो बी जो है उसकी भी जो सीक्वेंस उसने जो सेट बनाया है वो भी क्या है, सब सीक्वेंस है। अब सी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, देखिए तो हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल तो नहीं मिल रहा है बच्चों, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं मिल रहा है, पर हम यहाँ से जो सफिक्सेस का अगर सेट बनाए तो वो क्या है, 1, 2 है, 8 है, 5 है, 9 है, 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो यहाँ पे सारे सफिक्स जो है वो कहाँ से है, नेचुरल नंबर से तो है, पर ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए 1, 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से आगे गए तो 8, अब 8 के बाद क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। तो 5 जो है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर 5 के बाद 9 और 9 के बाद 6, तो वहाँ पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें दिख रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग होनी चाहिए उसका क्राइटेरिया यहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा है, दैट मीन सी बच्चे ने जो कलेक्ट किया है वो आपके क्या है, सब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। सो सिमिलरली हम बात करते हैं डी स्टूडेंट्स की, जो डी ने क्या किया भाई, एक सेट बनाया, ठीक है, उसने कैसे सेट बनाया, उसके सफिक्स का यहाँ पे हम सेट कलेक्ट कर लेते, तो 1, 2, 5, 6, 8 और फिर था 10 एंड सो ऑन।
और फिर यहाँ पे प्लस टू का रोल होल्ड करके वो अभी जा रहा है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए सारे जो सीक्वेंस है वो उसका जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 से 2 बड़ा, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और हमने फिर कहा कि भाई प्लस 2 का होल्ड है तो वो फिर क्या होगी, सीक्वेंस हमारी इंक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर रूल नहीं मिला आपको, पर यहाँ पे आपको मिला क्या कि भाई जो सीक्वेंस है वो नेचुरल नंबर की है और वो इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स डी स्टूडेंट्स ने जो की है वो भी क्या है, सब सीक्वेंस है किसके भाई, एक्सएन की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम सब सीक्वेंस जो है वो कैसे बना सकते हैं। अब थोड़े मैथमेटिकल लैंग्वेज में सीखते हैं जो हमने अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके देखा, पर अब हम थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस है दैट इज एक्स एन इक्वल टू 1/n, और यहाँ पे जो n है वो कहाँ से, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इसको अगर हम फॉर्म करें तो वो कैसे आएगी, 1 आएगी, फिर 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह के फॉर्म में आएगी कि नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ए स्टूडेंट क्या करता है, वो करता है कि सर मुझे यहाँ पे जो रूट चाहिए वो चाहिए 2 power n का। दैट मीन्स यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 2 power n, और n कहाँ से आएगा बच्चों, n बिलोंग्स टू n से। दैट मीन्स अगर हम इसको यहाँ पे एक्सपांड करें कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसे दिखेगी, क्या होगी उसके टर्म्स, तो वहाँ पे अगर हम 2 के एन पी 1 पुट करें तो ये हो जाएगा, अगर 2 पुट करते तो 2 square, फिर आएगा 1/2 cube, फिर आएगा 1/2 power 4 एंड सोन, इस तरह से बनेगी। यहाँ पे हमने जो 2 power n लिया है वो क्या है भाई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और सीक्वेंस ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर है, दोनों को होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स ये जो है वो क्या है, सब सीक्वेंस है किसकी है बच्चों, सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। ठीक है, होगी कि नहीं। अब देखिए बी स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि क्या है, बी स्टूडेंट क्या करता है, इसी में से कोई रूल निकालता है कि मुझे सर ऐसा रूल नहीं चाहिए 2 power n का, मुझे तो अपना वही रूल चाहिए। कौन सा वाला बच्चा, कि मुझे तो सर सारे जो है वो ऑड नंबर चाहिए, कैसे चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो 2n-1 किया उसने, यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, n। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/2n-1। इसको अगर हम एक्सपांड करके देखें तो अगर n इक्वल टू 1 पुट करते तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर अगर 2 पुट करते तो 1/3, फिर आएगा 1/5 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होगी, सब सीक्वेंस होगी, होगी कि नहीं, सब सीक्वेंस ऑफ एक्सन। तो सर ठीक है, आपने तो अब समझा लिया कि भाई सब सीक्वेंस क्या है, उसकी हेल्प से हम सब सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर आपकी जो सीक्वेंस है कैसी है, नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है आपकी, तो आप तो यहाँ से बहुत सारे रूल बना सकते हैं। कोई बच्चे ने ये रूल लिया, कोई ने ये लिया, कोई इवन वाला भी ले सकता है, कोई 3 power का भी ले सकता है। तो वहाँ पे अगर आपकी जो सीक्वेंस है नॉन कॉन्स्टेंट है तो आपके पास सब सीक्वेंस कैसी होगी, इनफाइनाइट सब सीक्वेंस हो सकती है। ठीक है, आपकी जो सब सीक्वेंस है वो कितनी होगी, इनफाइनाइट, आप जितने चाहे उतनी बना सकते हैं। पर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लेता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, xn इक्वल टू मेरी जो सीक्वेंस है वो 3 है। दैट मीन्स क्या है, 3 3। ठीक है, अब कोई भी बच्चा, ए बच्चे ने क्या किया था, एक्स 2 power n लिए थे, दैट मीन्स एक्स 2, फिर उसने एक्स 2 square किया, फिर यहाँ पे एक्स 2 cube था, तो वो कोई भी सीक्वेंस बनाए तो उसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, एक्सन होगी कि नहीं होगी। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो कॉन्स्टेंट है तो आपके पास एक ही सब सीक्वेंस बनेगी यार, वो जो होगी वो क्या होगी, खुद सीक्वेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे आप जो कुछ टर्म्स को अगर निकाल भी देते हैं, मैंने यहाँ से x1 निकाला, x3 निकाला, वो सब निकाले, पर यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो तो क्या आएगा, 3 3 3 आएगा कि नहीं। अब जो ये इन्फाइनाइट टर्म है क्या उसमें से कुछ कम हुआ, नहीं हुआ, सारे टर्म जो है वो तो इन्फाइनाइट थे, उसमें से आपने कुछ टर्म्स को निकाल दिया तो भी क्या हुआ, इन्फाइनाइट बचा। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट जब होती है आपकी सीक्वेंस तो उसके लिए आपके पास सब सीक्वेंस कितनी बन सकती है, वो यूनिक हो सकती है। ठीक है, यूनिक सब सीक्वेंस बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो रिजल्ट सीखा कि अगर आपकी सीक्वेंस जो कॉन्स्टेंट है तो उसके पास जो है वो यूनिक सब सीक्वेंस होगी, और अगर आपकी सीक्वेंस जो है वो नॉन कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए कितनी होगी, इनफाइनाइट सब सीक्वेंस होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन जो है इसी पे निकल सकता है कि अगर सीक्वेंस जो है वो नॉन कॉन्स्टेंट है तो उसके पास इनफाइनाइट सब सीक्वेंस होगी, अगर सीक्वेंस जो है कॉन्स्टेंट है तो उसके पास यूनिक सब सीक्वेंस होगी। मान लीजिए सी ऑप्शन दिया है कि कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो उसके पास इनफाइनाइट सब सीक्वेंस होगी, और जो डी ऑप्शन है वो है नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस के लिए यूनिक सब सीक्वेंस होगी। तो वहां से आपके पास ABCD ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं कुछ
रिजल्ट के बारे में कि सब सीक्वेंस से हमें आखिर कैसे पता चल सकता है कि जो कन्वर्जन सीक्वेंस है या फिर कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे मेरा रिजल्ट है कि मान लीजिए इफ आपकी जो सीक्वेंस है, इफ सीक्वेंस एक्स एन दैट कन्वर्ज टू एल, ठीक है, वो कहाँ पे कन्वर्ज करिए, एल पे, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्ज टू एल। दैट मीन्स अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है कहाँ पे, एल पे कन्वर्ज कर रही है, तो वहाँ पे अगर आप एक्स एन की कोई भी सीक्वेंस निकालिए, कोई भी सब सीक्वेंस निकालिए, वो भी क्या होगी, कन्वर्ज करेगी कहाँ पे, एल पे। बच्चों देखिए कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो हमें कहा कहा कि भी एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, एल पे कर रही है। दैट मीन्स एल जो है वो क्या है, एल इज लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ एक्शन। दैट मीन्स क्या हुआ कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपके पास मिल जाएगा, से हम कहते हैं के डैश सच दैट, के डैश जो है वो नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, यहाँ पे क्या होगा, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेयर एन इज ग्रेटर देन के डैश। ठीक है, ये होगा। अब देखिए क्या है कि भाई के डैश के सारे जो बड़े नंबर है वो इस नेबरहुड में आ जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन दैट इज एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के डैश के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं एक सीक्वेंस जो है डिफाइन करता हूँ एक्स एन के, मैंने डिफाइन की, ठीक है बच्चों, एक्स एन के डिफाइन की। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा जो सफिक्स है एन के, एन के अगर वो के डैश से बड़ा है, अगर वो के डैश से बड़ा है तो वो क्या होगी, तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा कि ये जो है एक्स एन के वो भी इस नेबरहुड के बीच में आएगी कि नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मेरा जो एन के जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, के डैश से। ठीक है, तो आप जो है वो बहुत, यहाँ पे मैंने एन के लिया है, अगर आप कोई बच्चा जो है वो एन के वन ले रहा है एक्स एन के वन, तो उसके लिए भी अगर एन के वन जो है वो के डैश से जब बड़ा हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि उसकी जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास जो के डैश है वो मैंने 10 लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे जो सब सीक्वेंस है एक्स एन, तो उसके लिए मैं एक्स टू पावर एन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है मेरी सब सीक्वेंस है किसकी भाई, एक्स एन की। अब देखिए मैं एन इक्वल टू पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ बच्चा, टू पुट करूंगा, तो वो इस नेबरहुड में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 10 से बड़े सभी नंबर्स के बाद ही ये आपकी जो एक्स एन है वो इस नेबरहुड में आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एन इक्वल टू अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो भी नहीं होगा, पर अगर मैं 4 कर रहा हूँ, 4, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है एक्स 4 करूँगा, 2 पावर 4, दैट मीन्स एक्स की हो जाएगी 16 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपका जो के डैश है, ठीक है, एन जो है वो के डैश से बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे 16 जो है वो 10 से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो बड़ा है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्स 16 है वह कहाँ पे आएगा, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ये के डैश है वो तो किसी नेचुरल नंबर से आ रहा है, और यहाँ पे हमारा एन के भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वो तो हमें मिल ही जाएगा। अगर आप के डैश चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई एन तो मिल जाएगा। कोई अगर बच्चा 100 ले रहा है तो क्या उसके लिए मुझे 2 पावर समथिंग नहीं मिलेगी, जो क्या हो जाएगी, 100 से बड़ी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, 2 पावर 5, 32, 64, अगर आप हम 7 या 8 से बात करें, ठीक है, या फिर 2 पावर 7 देख लीजिएगा, तो आई थिंक 2 पावर 7 या फिर 2 पावर 8 जो है वो 100 से बड़ी होती है, तो उसके बाद के जो सारे टर्म है सीक्वेंस के वो क्या होंगे, वो इस नेबरहुड में आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर आपके सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, तो उसकी सारी सब सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि सर आपने क्या बोला कि इफ सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जिस टू एल। ठीक है, कन्वर्जिस टू एल देन एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जिस टू एल। ठीक है बच्चे, हम सर ये मान लेते हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा हो सकता है कि एवरी सब सीक्वेंस, सॉरी
ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास जो है एवरी सब सिक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, कहां पे? इफ एवरी सब सिक्वेंस इज कन्वर्जन देन सिक्वेंस इज कन्वर्जन। यहां पे आपको अगर रियल नंबर लिया है एल तो ठीक है, अगर मैं यहां पे ऐसा बोल रहा हूं कि सिक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है तो उसकी सारी सिक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब यहां पे क्या पूछा है कि इफ एवरी सब सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम देखिए, मेरे पास यहां पे एक सिक्वेंस है, मैं ले रहा हूं xn इक्वल टू -1 to the power n, ये मैंने सिक्वेंस ली, तो यहाँ पे मेरे पास टर्म्स कौन से आएंगे, -1 +1 -1 +1 and so on, ये आएंगे कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब ए स्टूडेंट आता है, वो क्या करता है, वो एक इस टर्म में यहाँ पे जो ये एक्शन के टर्म्स है वहां से कुछ टर्म्स को कलेक्ट करके एक सिक्वेंस बनाता है, वो है x2n। जो x2n है वो क्या होगी बच्चों, वो होगी -1 to the power 2n। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ये जो सारे टर्म होंगे वो क्या होंगे, +1 +1 होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका मतलब इसके प्लस जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, +1 पे। क्यों? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो कैसे सीक्वेंस है बच्चों, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे बी स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ऑड नंबर को कलेक्ट, दैट मीन्स -1 to the power 2n -1। अगर ऑड टर्म्स को अगर हम कलेक्ट करें तो क्या आएगी, -1 आएगी -1 एंड सून। तो यहाँ पे ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है, और वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, -1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये सीक्वेंस थी वो भी क्या थी, कन्वर्जेंट थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स इसके जो दो सीक्वेंस है वो कैसे है, कन्वर्जेंट है। तो हम एक्सएन जो है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो हमें मिल गई दो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है, पर एक्सएन जो है उसके पास लिमिट पॉइंट का सेट बना है, तो वो क्या है, +1 and -1 है। ठीक है, तो दैट मीन्स उसके पास कितने लिमिट पॉइंट है, टू लिमिट पॉइंट है। उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, दैट मीन्स क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। और यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है उसकी रेंज फाइनाइट है, तो हम उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है, आप चाहे तो आई टैब से निकाल देख सकते हैं वो जो सीक्वेंस है उसको, वो जो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस का जो लेक्चर है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो सीक्वेंस है उसके सारे सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है। अगर सीक्वेंस के सारी सब सीक्वेंस किसी रियल नंबर पे करे तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, दैट मीन्स सारी सब सीक्वेंस जो है वो एक रियल नंबर पे कन्वर्ज करनी चाहिए। इफ एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू रियल नंबर एल then we say our sequence is convergent and converges to L। ठीक है, वो अब होगा तो सभी सीक्वेंस कहाँ पे, किसी फिक्स नंबर L पे कन्वर्ज करनी चाहिए। यहाँ से हमें क्या निकलता है, इसका अगर हम नेगेशन बनाए, नॉट पी, पी इंप्लाइज क्यू, दैट मीन्स नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, दैट मीन्स इफ there exist one subsequence which is not convergent then sequence is not कन्वर्जेंट। दैट मीन्स अगर आपकी जो सीक्वेंस है आपको सिर्फ एक सीक्वेंस ऐसी मिल जाए कि जो कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो हम वहां से डायरेक्टली बोल सकेंगे कि भाई जो हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, नॉट कन्वर्जेंट है। वो चाहे डाइवर्जेंट हो सकती है, चाहे फाइनाइट ऑसिलेशन हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में, सब सीक्वेंस के कुछ और रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, तो अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस के बारे में बात करूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस या फिर सब सीक्वेंस, दैट इज CPS। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई जब आपके पास सीक्वेंस एक्सएन थी तो उसकी हेल्प से आपने यहाँ पे एक सब सीक्वेंस एक्सएन के बनाए, फिर आपने क्या किया, एक्सएन के डी एस बनाए। हम चाहे तो यहाँ पे एक्सएन
टी भी बना सकते हैं, एक्स एन टी डैश बना सकते हैं, दैट मीन्स बहुत सारे सीक्वेंस बना सकते हैं अगर आपकी जो सीक्वेंस है वो नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है इस तो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपके पास जो सब सीक्वेंस बनाई है वो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या नहीं, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो दोनों जो सब सीक्वेंस है, ठीक है, मान लीजिए कि एक्स एन के एन एक्स एन के डैश आर सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस इफ इफ देयर सफिक्स देयर देयर सफिक्स ऑफ देयर सफिक्स इज फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ एन। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं एन के और एन के डैश का एक सेट बनाता हूँ, दैट मीन्स एस जो है वो है मेरा सेट ऑफ एन के और जो टर्म्स है वो एक्स एन के है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एस वन बनाया जो है एन के डैश जो सीक्वेंस है एक्स एन के डैश के उसके सफिक्स है। तो यहाँ पे जो मेरा एस और एस वन जो सेट बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, वो जो है एन के पार्टीशन करने चाहिए। और पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि पार्टीशन एस एन एस वन का यूनियन क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए और एस इंटरसेक्शन एस वन जो है वो फाई होना चाहिए। देन वी से दैट द एस एन एस वन आर पार्टीशन ऑफ एन। दैट मीन्स अगर हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस है वो क्या है, उसके सफिक्स जो है वो पार्टीशन करने चाहिए किसके, एन के। अब देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाई थी एक्स एन, तो उसमें जैसे मैंने यहाँ पे क्या किए थे, इवन टर्म्स लिए थे और यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऑड टर्म्स लिए थे। तो दैट मीन्स इवन और ऑड नंबर जो है उसका हम कलेक्शन बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा कि नहीं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स जो थे वो तो एक्स टू एन जो थे वो भी नेचुरल नंबर से था, 2n माइनस वन वो भी नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा था, तो वहाँ से हमें पता चला कि ऑड और इवन नंबर हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारी जो सीक्वेंस है xn अगर हम सीक्वेंस लेते हैं तो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ x ऑफ 2n, दैट मीन्स इवन नंबर इवन टर्म्स की, और यहाँ पे x ऑफ 2n माइनस वन जो है ऑड टर्म्स की, ठीक है। तो अगर इन दोनों टर्म्स का 2n और 2n माइनस वन दोनों का अगर हम कलेक्शन बनाएं तो हमारे पास क्या होगी, पार्टीशन ऑफ n होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से निकल के आएगी। तो उसका हमारे पास एक रिजल्ट है, वो क्या है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है, ठीक है, इफ इफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस कन्वर्जिस टू रियल नंबर एल, देन सीक्वेंस इज कन्वर्जिस टू एल। देट मीन्स अगर एक्स टू एन, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर एक्स टू एन और एक्स टू एन माइनस वन जो है वो दो सीक्वेंस जो है अगर एल पे कन्वर्ज करती है तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि भाई हमारी जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगी एल पे, ठीक है। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा दिया जाए, इफ इफ टू सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जिस टू द सेम लिमिट देन एक्शन इज कन्वर्जेंट और नॉट। तो एक्शन जो है वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं, यहाँ पे क्या दिया है कि टू सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, ऐसा नहीं बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि आपकी जो सीक्वेंस है वो है एक्स एन इक्वल टू है साइन एन पाई बाय फोर, ठीक है, साइन एन पाई बाय फोर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन पाई बाय फोर, सेकंड टर्म्स आएगा साइन टू पाई बाय फोर, थर्ड टर्म्स आएगा साइन थ्री पाई बाय फोर एंड सो ऑन आएगा कि नहीं, ये जो है आपकी सीक्वेंस है एक्स एन। तो यहाँ से मैं दो ऐसे सब सीक्वेंस डिफाइन करूँगा कि वो जो है वो सेम लिमिट पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मेरे पास एक सब सीक्वेंस निकल के आती है एक्स ऑफ 3n माइनस सॉरी एक्स ऑफ 3n माइनस सेवन, एक्स ऑफ 8n माइनस सेवन, एक्स ऑफ 8n माइनस सेवन। तो यहाँ से देखिए तो n इक्वल टू वन पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा साइन पाई बाय फोर
एन इक्वल टू टू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एन इक्वल टू वन पे देखिए तो साइन एट माइनस सेवन दैट इज वन, और टू पुट करूंगे तो मेरे पास आएगा टू दैट इज सिक्सटीन माइनस सेवन, सो तो यहाँ से साइन थ्री एन माइनस सेवन की अगर एट एन माइनस सेवन की अगर हम बात करते हैं, एट टू पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा सिक्सटीन माइनस सेवन दैट इज साइन नाइन पाई बाय फोर एंड सो वन टर्म्स बनेंगे कि नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे जो टर्म्स है वो क्या है, रूट टू, सेकंड टर्म्स है वो भी रूट टू है। अगर ट्वेंटी फोर माइनस सेवन जब करेंगे तो वो सेवनटीन पाई बाय फोर होगा तो वो भी क्या आएगा, रूट टू आएगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो कांस्टेंट है और वो कहाँ पे कन्वर्ज करे, रूट टू पे कन्वर्ज करे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं दूसरे एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ, वो कैसे सीक्वेंस है मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे मैं दूसरे सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ एक्स ऑफ एट एन माइनस फाइव, ठीक है, एट एन माइनस फाइव डिफाइन करता हूँ तो उसमें जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे साइन थ्री पाई बाय फोर, साइन इलेवन पाई बाय फोर एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम अगर इस टर्म्स को देखें यहाँ पे, तो ये जो सीक्वेंस है उसमें भी कौन से टर्म्स आ रहे हैं बच्चों, वो है वन अपॉन रूट टू, यहाँ पे वन अपॉन रूट टू एंड सो ऑन, हो रहा है कि नहीं। अगर ये सारे वन अपॉन रूट टू है तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी बच्चा, रूट टू पे कन्वर्ज करेगी। देखिए यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो टू पाई बाय फोर है, दैट मीन्स ये जो टर्म्स है वो क्या है, जीरो पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। साइन पाई बाय टू हो जाएगा तो कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, जीरो पे, तो सॉरी साइन पाई बाय टू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो वहां से भी हमें पता चल रहा है कि उसके पास एक टर्म्स क्या है, जीरो भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस निकालता हूँ, ठीक है, उससे पहले हम डिस्कस करें तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे दो सीक्वेंस है मेरे पास, तो वो जो है वो वन अपॉन रूट टू पे कन्वर्ज कर रही है। उसका अगर हम यहाँ पे सफिक्सेस का सेट बनाएं तो वो जो सेट है वो पार्टीशन ऑफ फॉर्म नहीं कर रहा है, किसका, एन का। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो सब सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस नहीं है। दैट मीन्स अगर ये जो दो सीक्वेंस है वो सेम नंबर पे कन्वर्ज कर रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी। ये यही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए दो सीक्वेंस तो मेरे पास बन गए सब सीक्वेंस, अब मैं यहाँ पे तीसरी जो सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस जो फॉर्म कर रहा हूँ वो देखिए, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे टू पाई बाय फोर, दैट मीन्स अगर आपका जो एन है वो इवन होगा, फोर के मल्टीप्लीकेशन में होगा जब भी, तो वो क्या होगा, फोर पे, अगर यहाँ पे फोर के मल्टीप्लीकेशन में होता है फोर एन, तो यहाँ से फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, देन मीन्स आपके पास जो सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी, साइन एन पाई बचेगा कि नहीं बचेगा, और साइन एन पाई जो है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो आती है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो, सॉरी अगर हम बात करें टू एन, टू एन की बात कर लेते हैं, ठीक है, साइन टू एन की भी बात कर सकते हैं, फोर एन पाई और माइनस पाई पे भी जीरो आता है। दूसरी अगर हम बात करें एक्स ऑफ टू एन के बारे में, और सारे इवन नंबर अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं टू इंटू फोर दैट मीन्स एट, तो सिमिलरली एक आपके पास ऐसे सीक्वेंस मिल गई है कि वो क्या है, उसकी वैल्यू है साइन एन पाई, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस होगी जीरो, तो वो जीरो पे कन्वर्ज करेगी। दैट मीन्स आपके पास एक सीक्वेंस ऐसी मिल गई जिससे हमें पता चल रहा है कि उसकी जो लिमिट है वो क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम वन अपॉन रूट टू एंड वन अपॉन रूट टू, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। दैट मीन्स इफ वी हैव टू सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस दैट कन्वर्ज इज टू सेम लिमिट, देन वी कैन नॉट से अवर सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट और नॉट। सो अवर जो हमने दो सब सीक्वेंस ली है वो क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस होगी, तभी हम कह पाएंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी टू द सेम लिमिट। अब हम बात करते हैं कुछ और रिजल्ट्स के बारे में सब सीक्वेंस के, एक दो और रिजल्ट्स करते हैं और एग्जाम्पल भी करेंगे, उसके बाद हमारा जो है क्लास है उसको हम यहाँ पे आज का क्लास वहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमने कहा था कि भाई सीक्वेंस जो है एक्स एन कन्वर्ज करती है एल पे, तो उसकी सारी सब सीक्वेंस जो है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेंगी टू सेम लिमिट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइन करना है प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव नहीं करते, चलिए लिमिट लिमिट वन प्लस वन अपॉन टू एन टू द पावर एन इज इक्वल टू व्हाट, वे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनिट, तो ये जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ये हमें यहाँ पे फाइन करना है। तो अब हम यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस वन अपॉन एन टू दी पावर एन क्या होता है बच्चों, ई होता है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है उसको मैं यू एन मान लेता हूँ, क्या करता हूँ, यू एन मान लेता हूँ। सो यू एन इक्वल टू दिस, अब ये जो यू एन है उसके अगर
इवन टर्म्स को निकाले तो मैं यहाँ वहाँ से एक नई सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ वी एन, दैट मीन्स वो जो होगी वो होगी वन अप वन प्लस वन अपॉन टू एन टू दी पावर टू एन, ये होगा कि नहीं? और ये भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ई पे कन्वर्ज करेगी बच्चों, ठीक है। सो हमारी जो यहाँ पे वी एन है वो है वन अपॉन टू एन टू दी पावर टू एन, तो ये जो है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ई पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक डिफाइन करता हूँ डब्ल्यू एन दैट इज इक्वल टू वी एन टू दी पावर वन हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि वी एन जो है वो है वन अपॉन टू एन टू दी पावर टू एन एन इस पावर वन हाफ, तो ये जो हो जाएगी वो क्या होगी वो देखिए। सो अगर अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करता हूँ, दैट इज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट डब्ल्यू एन दैट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस वन अपॉन टू एन टू द पावर टू एन टू द पावर वन हाफ। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन प्लस वन अपॉन टू एन पावर टू टू द पावर वन हाफ, ये हो जाएगी। यहाँ से ये जो है वो क्या है, ई है और उसकी पावर है वन हाफ, तो यहाँ से हमें पास क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, और डब्ल्यू एन था वो क्या था आपका, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन कर दे तो हमारे पास आएगा वन प्लस वन अपॉन टू एन टू द पावर, यहाँ पे टू एन अपॉन टू होगा तो वो क्या हो जाएगा वन टू एन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो टर्म था वो था वन प्लस वन अपॉन टू एन पावर एन, तो यहाँ से हमारे पास आया ई पावर वन हाफ, तो ये जो सिक्वेंस है उसकी क्या लिमिट आएगी, वो आएगी ई पावर वन हाफ। तो आप इस तरह से जो है सब सिक्वेंस की हेल्प से सिक्वेंस की कभी कभी लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो सब सिक्वेंस का यूज़ होता है कि हमारे जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या नहीं, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक सिक्वेंस ऐसी फाइंड करते हैं जो है वो डिफरेंट कन्वर्ज कर रही है जो भी हमारी सिक्वेंस होती है उसके अलग, ठीक है। तो वहाँ से हमें यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारे क्लास में हमने क्या देखा, अभी कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हमने देखा कि सब सिक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि उससे रिलेटेड कौन कौन से रिजल्ट्स है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर हमारी जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो उसके सारे सब सिक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर कन्वर्जेंट हमारी इफ़ एवरी सब सिक्वेंस इज कन्वर्जेंट तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। कॉन्स्टेंट सिक्वेंस होती है उसके पास यूनिक सब सिक्वेंस होती है, जो सिक्वेंस कॉन्स्टेंट नहीं होती है उसके पास इनफाइनाइट सब सिक्वेंस हो सकती है। तो ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे रिजल्ट देखे। आपको आई होप आपको जो है सब सिक्वेंस से रिलेटेड सारे जो डाउट्स है, और अगर आपने अब तक सब सिक्वेंस नहीं सीखा था नहीं पढ़ा था तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब सिक्वेंस क्या है, उसकी हेल्प से हम कैसे जो है वो एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं वो भी हमने देखा। तो आपको हमारे वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो लेक्चर को। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।